आज हम सोच रहे हैं, कल शनिवार है तो कल सुबह मॉर्निंग रखते हैं, तो वो लोग मॉर्निंग में कल सुबह चलते हैं अपने आस पड़ोस में बंदे के बालाजी पर। और प्रीतम आप बताओ कहाँ चलोगे कल सुबह? और कल सुबह आपने बोल दिया वहीं चलेंगे, कल सुबह चलते हैं। मैं तो मारवाड़ी बोल रहा भाई। बिल्कुल तू मारवाड़ी बोले, हमारे दोस्तों इसको थोड़ी दिक्कत होती है, मेरे को दिक्कत होती है हिंदी बोलने में, ये मारवाड़ी बात करेगा। तो आज आप चलना चिंतारण बालाजी। बिल्कुल आज चलते हैं चिंतारण बालाजी, जो जोमेर का मायना है, बहुत बढ़िया बालाजी को मंदिर से, बहुत शानदार। आज बड़ा चलना, आओ थन दिखाओ जा बालाजी को मंदिर। और बहुत भक्त लोग आया करे जे मंगलवार ने, तो खूब लोग आया करे जे। और कई जोमनेर के अंदर तो कई लोग तो यहाँ छे जो डेली को रूटीन, डेली रूटीन बना रखी है, शाम शाम ने डेली बालाजी के जाला, हनुमान चालीसा बोल रहा, वापस आओला। हम भी तो चलते हैं और करवाते हैं जितना बालाजी का। ये पीछे से ये हमारे मयंक भैया जो, हेलो गाइस, आज इसके पापा का जन्मदिन, आज इनके पापा का जन्मदिन है, हम इनसे पार्टी मांग रहे हैं, आप हमें पार्टी दीजिए। कब दोगे पार्टी? दे दी यार अभी, इतनी तीस रुपए खर्च करे भैया, अभी इसको वहां लेके चले बंदे ने, यो कैफे में लेके चलेंगे और वहीं इसको हलाल करेंगे। तो बिल्कुल आइए दोस्तों, चलते हैं चिंतारण बालाजी के। तो दोस्तों हम चल रहे हैं बालाजी के, चिंतारण बालाजी के, वो दिख रहा है अपने मंदिर में, ज्वाला माता का मंदिर दिख रहा है आपको सामने, ज्वाला माता का मंदिर। और इस तरफ ये जोमनेर का जो किला है, वो किला भी आपको नजर आ रहा होगा। और अभी हम चल रहे हैं, हमारे ड्राइवर साहब ड्राइवर बना दिए इतनी जल्दी। बिल्कुल, तो चलते हुए हम ये चिंतारण बालाजी के जो मंदिर का नज़ारा आप सामने देख ही पा रहे हो, किस तरीके से जो मंदिर का नज़ारा है, और ये आप हमें देख पा रहे हो जो मंदिर में ज्वाला माता जो आप सबको सामने नजर आ रहे हैं। ये आपको सामने जो मंदिर का मार्केट नजर आ ही रहा होगा, किस तरीके से ये दुकानें फॉर्चुनर जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। और थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है तो ट्रैफिक वगैरह भी शाम में ही मजा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं सामने। और ये हमारे प्रथम भैया की शॉप जो लिखा हुआ है, ये हमारी सफलता असल है। ये प्रथम भैया के चाचा जी पापा जी बैठे हैं सामने, और सामने का मार्केट आप देख ही पा रहे हो। लड़कियों को मत देखना सामने, जोमनेर देखा जाए तो वैसे आजकल सिटी की तरह बन चुका है पूरा का पूरा, जयपुर में आगो जयपुर की तरह ही हो चुका है बिल्कुल। देखो शाम के टाइम कितना ट्रैफिक हो चुका है यहाँ पर, नॉर्मल ट्रैफिक देखो, यहाँ पर गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया आज के डेट पर, इतना ट्रैफिक हो चुका है। सब ज्यादा ट्रैफिक लगता है जब ये बंदे ऐसे गाड़ी करके चल जाते हैं। हमारे ड्राइवर साहब को हम कहना चाहेंगे थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना। और पीछे मयंक बैठा, ये अपनी दुकान है क्या? अच्छा, ओम शिवपान भंडार के नाम से अपने तो आप देखे लेके चल रहे हैं हमारे नागा जूस सेंटर, ये वाली है क्या? ओम शिवपान भंडार, इसके पापा बैठे, ये आप देख पा रहे हो ओम शिवपान भंडार, ये हमारे की शॉप है। हैप्पी बर्थडे भाई साहब, आज इनके पिताजी का जन्मदिन भी है। और प्रथम बोर्ड ले ले, बोर रखे हैं सॉरी मूंगफली है तो सामने बोर नहीं है। आप देख ही पा रहे हैं ये जोमनेर का पूरा मार्केट है, जहाँ भी हम खड़े हैं इस लोकेशन पे इसको कहते हैं जोमनेर का फुलेरा बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पर जितनी बसें लगती है सारी फुलेरा की लगती है। और जो पहले हमने आपको दिखाया था वो था अपना रेनवाल का बस स्टैंड, वहाँ पर से जो बसें लगती है वो रेनवाल की। और जो बीच में आया था वो था हमारा जयपुर बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ से जो बसें लगती है जयपुर की लगती है। और अभी हमारे जोमनेर माता का मेला भी चालू होने वाला है, कब चालू होगा प्रीतम? 25 मार्च से जोमनेर का मेला शुरू हो जाएगा जी। बिल्कुल जोमनेर का मेला शुरू होने वाला है, तो जितने भी भक्तगण हमारा तो वीडियो देख रहे हैं और जोमनेर माता जी का आना चाहते हैं, हालांकि यहाँ वो सिस्टम नहीं है वीआईपी वाला जो खाटू श्याम जी चलता है, यहाँ सभी नॉर्मल है, जितने भी भक्त आएंगे सेम तरीके से सबको दर्शन करवाया जाएगा। तो कर रहे हैं हम जर्नी शुरू, कर क्या रहे हैं, हो चुकी है जर्नी शुरू तो हमारी, बालाजी के भी आ गए और बालाजी के हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल पीआर भक्ति ब्लॉग खाटू श्याम बाबा दिल से। तो ये जिस जगह पर अभी आप देख पा रहे हो ये है जोमनेर की पुलिया, और इसी के बगल में है एसकेएन कॉलेज जो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा पहले रह जाएगा उससे तो बालाजी अपना, पहले आ जाएगा बालाजी, थोड़ा पहले आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी गाड़ी को पहले आगे लेके जाएंगे और फिर आपको कॉलेज दिखा के, हाँ कॉलेज आपको बाहर से दिखाएंगे, अंदर का कॉलेज का कभी पर्सनली आप अगर कमेंट करोगे तो कॉलेज का अंदर का ब्लॉग बनाएंगे, अंदर से भी आपको कॉलेज वगैरह दिखाएंगे। ये कॉलेज 2400 बीघा में, 2600 बीघा में, 2400 बीघा के अंदर ये कॉलेज फैली हुई है, श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है। हालांकि हम
तो इसको एसकेएन कॉलेज के नाम से बोलते हैं, क्योंकि जो एसकेएन है इसका फुल फॉर्म होता है श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय। तो हमारे बालाजी भी नजदीक आते हैं, लेकिन आगे चलेंगे, पहले हम आगे चल के और पहले आपको बाहर से कॉलेज दिखा के लाते हैं, ब्रेक के हिसाब से लगाना प्रथम। और ये आप जो देख पा रहे हैं बगल में, ये है हमारी कॉलेज एसकेएन कॉलेज। कांच खोल दो, साफ दिख जाएगा। इन्होंने बनाई थी ये जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, इन्होंने इस कॉलेज को बनाया था। और ये कॉलेज का जो फ्रंट गेट है, ये कॉलेज अभी दूसरी जगह भी शिफ्ट हो चुकी है काफी। ये पूरा कॉलेज का पार्ट है, ये जो आप सामने नजर आ रही है, सामने आपको बाउंड्री नजर आ रहा है, वो सब ये पूरी कॉलेज का ही है। और आज मौसम भी थोड़ा शानदार हो रहा है, हल्का हल्का बारिश का, रोमांटिक मौसम, बारिश का नाम लिया और बारिश शुरू हो भी चुकी है। ये जो आप इधर देख पा रहे हैं, ये है वो देख पा रहे हो पापा की परछाई, ये बरसात होने की वजह से देखो बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अरे आ जाओ भागते हुए, बैठा ले मर जाएगी। ये आप, ये जो पड़ोस में आपको नजर आ रहा है, ये है गर्ल्स कॉलेज, सॉरी गर्ल्स हॉस्टल, जो आप देख पा रहे हैं कन्या छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल। बाहर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब बाहर शुरू हो चुकी है बारिश। तो आपको आगे से वो कॉलेज आपको दिखाते हैं, अभी हो सकता है आज का बताया बता ओलावृष्टि भी हो सकती है। नहीं यार बिल्कुल, आज का बताया बता ओलावृष्टि के लिए भी। अरे आगे गड़ा गड़ा रही बारिश होगन, गाड़ी को दबा के रोक ले साइड में, बर्फ आ रहा है, बर्फ, गाड़ी को साइड में दबा के रोक ले, बर्फ आ गया, पेड़ के नीचे रोक, अरे पेड़ के नीचे रोक, पेड़ के नीचे, मनाली में आ गए, पेड़ के नीचे रोको गाड़ी को फटाफट, क्योंकि गाड़ी का शीशा फूट सकता है। यहाँ पेड़ के पास में गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि, अरे धीरे 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 ओले आ रहे हैं, ओले में गाड़ी कट जाता हमारा भाई, पेड़ आगे ले, थोड़ा आगे ले, नीम के पेड़ नजर आ रहे हैं वहां रोक लेना धीरे, तो गाड़ी को धीरे चलो थोड़ी, गड़े आ गए, अरे स्नोफॉल हो गई। अब तो मनाली वाली सी फीलिंग ले रहे हैं यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़े ओले वगैरह गिरना चालू हो चुके हैं, और ओलों में थोड़ा डर रहता है गाड़ी का कांच वगैरह फूटने का, हाँ यहाँ थोड़ा दबा के पेड़ के नीचे से हम थोड़ा सा गाड़ी का स्टॉपेज करेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि ओले चालू हो चुके हैं इस वजह से। और ये हमारा स्टॉपेज होता हुआ, इधर दबा वापस इधर दबा, हमने कर लिया नाश्ता। और क्या हुआ, मिर्ची लग गई? नहीं नहीं मिर्ची बिल्कुल ही नहीं है, ये देखो इन्होंने छोड़ा है मिर्ची का। अरे यार अभी इतना छोड़ दिया, तेरे को शर्म नहीं आ रही? कल तो आपके मुंह को साफ करो। मेरा तो साफ ही है, मिर्ची नॉर्मल मिर्ची है इसमें यार। पसीना आ रहे, पसीना आ रहा है। नॉर्मल मिर्ची कौन सी होती है? मिर्ची तो मिर्ची होती है। देखो आज तो आ गए आपको दोस्त पाचा गर्जे पहले गाड़ी देखो पाचा दिखाई दिया है एसकेएन कॉलेज। और अब आपको दिखाते हैं, बीच में थोड़ा सा हम होल्ड पे चले गए थे, ब्रेक पर चले गए थे, क्योंकि हमारे मयंक भैया को लंच टाइम नाश्ते वगैरह की भूख लग रही थी, भूख लग रही थी। देख उधर, उधर भी देख, उधर उधर देख रहा हूँ, मयंक उधर देख, वो नाली देख पीछे, काफी दूर है वो तो, काट ले क्यों मजाक कर रही है। हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चल पा रही है सही से? जख्मी, बस 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 बस, देखो एक नंबर चाल रही है गाड़ी, तो चाल रही है आज तक तो उड़ा ही नहीं, आज तक तो मैंग भैया पीछे सो कैसे रहे हो यार? अब यार पता नहीं यार, तो नींद आज मौसम भी बड़ा अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि बाहर बरसात वगैरह हो चुकी है तो ठंडा मौसम हो चुका है, और फिर भी उसके बावजूद देखो गाड़ी में ही चला रहे हैं। हाँ देखो धीरे धीरे एरिया है उधर, हटा दो क्या तेल किसका जलता है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अपने चिंतारण बालाजी की, हाँ जी चलते हैं बिल्कुल, और बस आने वाले हैं, वो रे बालाजी 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, वो रे बालाजी 2 ही मिनट के अंदर, 2 मिनट तो लगेगी नहीं वीडियो, 2 मिनट का तो स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 मिनट वीडियो ऐसे रखनी पड़ेगी आपको, स्किप करने की जरूरत नहीं है वीडियो को, वो रे हमारे बालाजी। और ये हमारे बालाजी चिंतारण बालाजी के मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि बनाया हुआ है, ये वाटर कलर लगाया हुआ है स्वर्गीय श्रीमती सुशीला और पत्नी डॉक्टर कृषि कस्तो के द्वारा। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत हमारे वीडियो की। ये हमारा रथ जो खाटू श्याम बाबा दिल से और पीआर भक्ति ब्लॉक इधर शुरू होता है।
पीछे हमारे चिंतारण बालाजी का मंदिर, और यहाँ जो मुख्य पुजारी जी है ये रे, इनसे हम पूछते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। राम राम सा, ये मंदिर कब बनाया था, मंदिर को कब बनाया गया था अपने इस मंदिर को? अच्छा 10 साल हो गए मंदिर को बनाए हुए। और मुख्य पुजारी आप ही हो यहाँ पर, आपका शुभ नाम क्या? प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी आपसे कब से सेवा कर रहे हैं बालाजी की यहाँ पर? आपको बालाजी की सेवा करते हुए 40 साल हो गई, और आप प्रॉपर यहीं के हैं कहीं से हैं? रलावता हमारे भी रिलेशन है काफी ज्यादा। अच्छा रलावता 3-4 है वहाँ पर। अच्छा तो बिल्कुल। और भजन संध्या कब कब होती है अपने मंदिर में, आरती कब कब होती है यहाँ पर? 7 बजे। काफी अच्छा मंदिर जो आप देख पा रहे हैं, और ये हमारे प्रीतम भैया बैठ चुके हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, और ये मंदिर के बाहर का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से। और ये हमारे श्री राम के प्रिय हनुमान जी, और ये यहाँ आप जो बनाई हुई है हनुमान जी की, रामायण के घटनाएं थी वो सारा बनाया हुआ, एक एक करके आपको दिखाते हैं। जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये है अपना राम दरबार, और इसके बगल में ये नजर आ रहे हैं यहाँ सीता माता जो वाटिका में बैठे थे, और उसके नीचे हनुमान जी ने जो गेट के ऊपर जिस राक्षस ने को मारा था, मुक्का मारा था जिस राक्षस ने, उसका वर्णन है। आप बताना राक्षस ने का नाम क्या था? सुरसा पर लिखा हुआ है नीचे। और ये समुद्र लांघ कर जब हनुमान जी जा रहे थे तो बीच रास्ते में उनको परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा था समुद्र लांघने के समय, और ये समुद्र लांघने की तैयारी करते हुए हनुमान जी, और ये जो नीचे है सुग्रीव हनुमान और बाली नहीं ये है अपने जामुन जी जो हनुमान जी की शक्तियाँ याद दिलाते हुए, और इस तरफ आपको दिखाते हैं ऊपर रण कहता हूँ उस समय का दृश्य है। उसके नीचे राम जी लंका पे चढ़ाई करते हुए, उसके बाद में ये शुक्लका की लक्ष्मण जी ने जो नाक काट दी थी उसका सीन है, और उसके नीचे मरीच जो राक्षस थे सुबाहु से युद्ध किया था जब राम भगवान बचपन में थे, और उसके नीचे ये ताड़का वध हनुमान सॉरी राम जी अपने जब वाल्मीकि विश्वामित्र थे ना अपने ये विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए गए थे, अध्ययन करने के लिए गए थे, तब ताड़का का वध किया था जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी ऋषि मुनियों को। और चारों तरफ से आपको दिखाते हैं, ये हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी, और ये हमारे सरस्वती लक्ष्मी जी का मंदिर है, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है, और आगे आपको दिखाते हैं ये हमारे भैरव जी का मंदिर, और आगे आपको दिखाते हैं भिक्षु। ये मुख्य पीठ के जो जिनकी मुख्य पीठ थी उनका है, और आगे आपको दिखाते हैं मंदिर के चारों तरफ। ये हमारे मुरली मनोहर जिनका मंदिर मथुरा में तैयारियां चल रही है बनाने की, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है। और ये हमारे भोले भंडारी जिनको आप देख पा रहे हैं, और ये हमने मंदिर का चक्कर किया पूरा, और फिर से आपको दिखाते हैं एक बार हमारे कलयुग के देवता, बड़े ही सोने लग रहे हैं आप देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, चलते हैं प्रस्थान करते हैं यहाँ से, और बालाजी से कामनाएं करते हैं कि सभी को स्वस्थ ठीक खुशहाल रखें, और बगल में हमारे शिव जी का संपूर्ण परिवार, और ये आप देख पा रहे हैं शिवलिंग और सभी चीज़ें। और जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये है अभी जो पुजारी जी से आपको हमने मिलाया मांगीलाल जी, उनका हाउस है पीछे, वो घर है, ये यहीं रहते हैं 40 साल से मंदिर की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर ये। और ये बाहर से आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाते हैं किस तरीके से मंदिर है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे परम पूज्य हनुमान जी, और आप सभी का इसी तरह हमारे वीडियोस पर प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बालाजी से हम कामनाएं करते हैं सभी को खुशहाल रखे इस दुख भरी जिंदगी के अंदर, सभी को हैप्पी रखे, दुखों को दूर करे। हनुमान जी से हमने यही प्रार्थना की है कि जहाँ तक हो सके हमारी ज़िंदगी से भी स्ट्रगल को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि ख़त्म हो गया तो फिर मतलब ही नहीं है, स्ट्रगल रहना भी जरूरी है। तो बाकी तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। काफ़ी टाइम बीच में रुक गए थे और कुछ टाइम के लिए, तो जय श्री राम दोस्तों।